नमस्कार दोस्तों, आज सोशल मीडिया के ज़माने में हम देखते हैं कि लाइव इंग्लिश के अनेक प्रकार हम आज एक तरह से इंटरनेट पे देखते हैं और उसी में हमें एक टॉपिक दिखता है जिसका नाम है ब्लॉग्स राइटिंग। तो ये ब्लॉग राइटिंग आज एक सिर्फ सोशल मीडिया का एक माध्यम नहीं है, तो एक तरह से 12th के इंग्लिश के राइटिंग स्किल में ब्लॉग राइटिंग का एक टॉपिक आज एज अ क्वेश्चन के तौर पर सिलेबस में दिया है। और इसलिए ब्लॉग्स जो हम लिखते हैं या फिर हम जिस ब्लॉग्स के बारे में सुनते हैं वो अगर आपको क्वेश्चन पेपर में आए तो उसे किस तरह से लिखना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। और इसलिए अंत तक आप इस वीडियो पे बने रहिए। तो चलिए हम अभी ब्लॉग राइटिंग जो राइटिंग स्किल में होता है वो किस तरह से हमें लिखना है वो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्लास 12 यानी 12वीं के इंग्लिश में जो राइटिंग स्किल होता है उसमें क्वेश्चन नंबर 4D ये जो क्वेश्चन होता है ये ब्लॉग राइटिंग का होता है और इसमें लगभग 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम अभी देखते हैं कि इस ब्लॉग राइटिंग के ऊपर में जो मार्किंग स्कीम होती है बोर्ड की वो किस तरह से होती है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमें समझ में आएगा कि जो ब्लॉग का हेडर, मेनू और नेविगेशन बार होता है ये जब आप ठीक से लिखोगे तो उस वक्त आपको 1 मार्क दिया जाएगा। फिर जो फुटर होता है उसका, उसके ऊपर में 1 मार्क होता है और जो मेन कंटेंट होता है उसमें जो बॉडी होती है ब्लॉग की उसके ऊपर आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं, यानी 1, 1, 2 कुल मिलाकर आपको 4 मार्क्स का ये ब्लॉग राइटिंग का राइटिंग स्किल में पूछा जाता है। अभी हम देखते हैं कि ब्लॉग राइटिंग में एक तरह से जिस सीक्वेंस में हमें क्या करना होता है, ब्लॉग राइटिंग करना होता है, वो सीक्वेंस क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कंटेंट्स ऑफ ब्लॉग, यानी एक ब्लॉग जो लिखा जाता है। आज सोशल मीडिया पे बहुत से ब्लॉग लिखे जाते हैं लेकिन आपको 12 के इंग्लिश में जो राइटिंग स्किल में ब्लॉग लिखना है वो सोशल मीडिया के ऊपर में जो ब्लॉग होता है उस तरह का नहीं लिखना है। तो हमें एक देखना है कि एक तरह से अगर हम ब्लॉग राइटिंग करना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन से कंटेंट्स हमें क्या करने पड़ेंगे, फील करने पड़ेंगे या फिर उनको वहां पे डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो वो कंटेंट्स है, सबसे पहले उसमें होता है टाइटल, यानी एक ब्लॉग का टाइटल होता है। फिर होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, एक ब्लॉग का जो टॉपिक होता है टाइटल उसके ऊपर आपको एक इंट्रोडक्शन देनी होती है। फिर होती है एक मेजर हेडिंग, फिर होता है एक लीडिंग पैराग्राफ, फिर एक हेडिंग दी जाती है, फिर लीडिंग पैराग्राफ होता है, एक माइनर हेडिंग होती है और लास्ट में जो ब्लॉग होता है उसका कंक्लूजन लिखने वाला या कंक्लूजन शो करने वाला एक पैराग्राफ होता है। तो ये जनरली ब्लॉग्स के कंटेंट्स होते हैं। हमने पहले देखा कि ब्लॉग के जो मेन टाइप्स है या फिर जो उसके मेन जो टॉपिक्स है वो क्या होते हैं, हेडर, फुटर और मेन बॉडी। तो चलिए आज कुछ एग्जांपल्स के द्वारा मैं आपको ये भी दिखाने का प्रयास करता हूँ कि हम एक ब्लॉग में हेडर किसे कहेंगे या फिर फुटर किसे कहेंगे और एक मेन जो बॉडी होती है वो हमें कहाँ पे लिखनी होती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको ब्लॉग राइटिंग का एक फॉर्मेट आपको दिखाया है। तो इसमें अगर हम देखें तो देखिए, जो हम टाइटल बोलते हैं, जो टाइटल होता है ये होता है हेडर हमारा, और हेडर में जनरली क्या होता है, एक फॉर्मेट है, 2-3 तरह के बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं ब्लॉग राइटिंग के। तो इस फॉर्मेट में ये टाइटल ब्लॉगर में जो आपको ऊपर में दिख रहा है इसे हम हेडर कहेंगे, और आप अगर नीचे में आएंगे तो इस पैटर्न के या फिर जो फॉर्मेट है फॉर्मेट के एकदम डाउन में आपको ये जो लाइन दिखती है जहाँ पे सब्सक्राइब टू मेल, न्यूज़लेटर, ईमेल, कमेंट्स या प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशंस इनको जनरली फुटर में लिखा जाता है, ये जहां पे लिखा जाता है उसको फुटर कहते हैं। ठीक है, ये एक तरह का एग्जांपल हो गया। अभी आपके सामने एक दूसरा एग्जांपल दिया ना, देखिए यहाँ पे भी आपको समझ में आएगा कि ऊपर में ब्लॉग पोस्ट टेम्पलेट, यानी जो हम ब्लॉग का टाइटल लिखने वाले हैं
उसका हमें एक तरह से एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यानी हम क्या करेंगे टाइटल हमें वहां पे ऊपर में लिखना है। तो ये जो होती है जहां पे आपको हम एक पर्टिकुलर ब्लॉग लिखने के लिए वेबसाइट का यूज करते हैं, वो वेबसाइट या फिर जो पोस्ट का टाइटल है उसका टाइटल या फिर पब्लिश सेव प्रीव्यू क्लोज ये जो ऑप्शंस होते हैं, तो ये जो सभी होते हैं मेनू बार इंडिकेशन बार उसके बाद में हेडलाइन उसकी और टूल बार ये सभी जो होते हैं ये सभी कहां पे आते हैं हेडर में आते हैं। तो इसलिए वहां पे दिख रहा है आपको हेडर। उसके बाद में नीचे में आइए, नीचे में देखिए यहाँ पे आपको कमेंट्स और डेट लिखी है, तो इसे हम कहते हैं ब्लॉग का फुटर, दिस इज कॉल्ड फुटर, इसे हम कहते हैं ऊपर वाले को हेडर। और बीच में हम जो देखने वाले हैं, बीच में जो हम लिखते हैं वो उसका टाइटल लिखेंगे और उस टाइटल के बारे में हम फिर जानकारी देंगे और लास्ट में उसका कंक्लूजन लिखेंगे। तो ये जो होते हैं ये होते हैं हमारे मेन बॉडी, यानी बीच का जो पार्ट हम लिखते हैं उसे कहते हैं मेन बॉडी, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं हेडर और सबसे नीचे लास्ट में जो लिखा होता है उसे हम कहते हैं फुटर। तो फुटर के तौर पर आपको क्या करना है, एक तरह से उसके कमेंट्स डेट्स या फिर ऑल राइट्स रिजर्व टू द ब्लॉगर, इस तरह से प्राइवेसी पॉलिसी ये होती है हमारी फुटर। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि किस तरह से कोई ब्लॉग लिखा जाता है। ब्लॉग लिखने के बहुत सारे प्रकार है, यहाँ पे हम दो तीन प्रकार देखने वाले हैं, उसमें से एक टाइप से हम ब्लॉग लिखने वाले हैं। तो देखिए ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे ये देखिए ऊपर में आपने देखा होगा जिस किसी वेबसाइट पर जाकर हम ब्लॉग लिख रहे हैं उस वेबसाइट का नाम लिखा है, जैसे यहाँ पे www.blogger.com लिखा है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में आपने देखा होगा यहाँ पे आर्काइव रिपोर्ट एव्यूज रिसेंट पोस्ट फॉलोअर्स लेबर्स, एक तरह से जिस तरह से हम एक फेसबुक में देखते हैं उस तरह से यहाँ पे लिखा होता है। उसके ऊपर में देखिए यहाँ पे अलग अलग मेनू बार दिखा है वहां पे आपको, तो ये सब क्या होते हैं ये हेडर होता है, ये सब क्या होता है हेडर। और हेडर के नीचे जो होता है वो होता है टाइटल, ये होता है टाइटल बार, यहाँ पे हमें टाइटल लिखना होता है। और इसके नीचे में जब हम आते हैं तो नीचे में जो लिखा हुआ होता है वो होता है हमारा फुटर, और जो बीच में हम अभी जो लिख रहे हैं ये है हमारा मेन बॉडी। तो एक तरह से हम बोलेंगे कि हेडर के ऊपर में एक मार, नीचे में जो लिखा जाने वाला है फुटर उसके ऊपर एक मार, और जो बीच में जो मेन बॉडी हम उस टाइटल के बारे में जो एक डिस्क्रिप्टिव हम नरेशन लिखने वाले हैं उसको होता है दो मार्क्स। तो इस तरह से ब्लॉग राइटिंग में लगभग चार मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्लास 12 के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में जब आपको कोई ब्लॉग राइटिंग का एक क्वेश्चन आएगा तो उस वक्त आपको कौन सा ब्लॉग राइटिंग का फॉर्मेट यूज करना है और किस तरह से उसमें ब्लॉग राइटिंग करनी है। चलिए तो हम डायरेक्ट अभी उस फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक तरह से 12वीं के क्वेश्चन पेपर में अगर आपको कोई ब्लॉग राइटिंग का क्वेश्चन आता है तो उस वक्त आपको कौन से फॉर्मेट को यूज करके ब्लॉग राइटिंग करनी है उसके ऊपर में रिसर्च करके एक फॉर्मेट आपके लिए मैंने निकाल के रखा है। तो देखिए इस फॉर्मेट में आपको यही फॉर्मेट आपको क्वेश्चन पेपर के आंसर शीट में क्या करना है बनाना है और इसी फॉर्मेट के तौर पर आपको क्या करना है ब्लॉग राइटिंग करना है। अगर हम इस फॉर्मेट को देखें तो आपको समझ में आया होगा कि ऊपर में जो ये लिखा हुआ है ये होता है हमारा हेडर। अब हेडर में आपको क्या क्या बनाना है, आपको इस तरह से पहली जो एक हॉरिजॉन्टल जो आप लाइन उसमें ड्रॉ करोगे उसमें आपको यहाँ पर ब्लॉग टाइटल के लिए क्या करना है एक जगह रखनी है, फिर उसके बाद आपको यहाँ प्लस का साइन दिखाना है, फिर अगर आप इस राइट कॉर्नर में आओगे तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि मेनू बार दिखाना है जैसे मिनिमाइज मैक्सिमाइज एंड कट इस तरह से। उसके नीचे में देखिए यहाँ पर आपको ये इंडिकेशन बार है, इसको हम नेविगेशन बार भी बोलते हैं, यहाँ पर आपको दो अपोजिट डायरेक्शन के एरोज दिखाने हैं और उसके बाजू में आपको क्या करना है कोई भी एक ऐसी वेबसाइट लिखनी है जिस वेबसाइट पर जनरली ब्लॉग्स लिखे जाते हैं। अगर आपको कोई वेबसाइट याद नहीं आती तो आप इसी वेबसाइट का यूज कर सकते हो www.bloggerspot.com/blog-title, यहाँ पर आपको ब्लॉग टाइटल भी डाल सकते हो आप। तो उसके बाजू में आपको देखिए यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन डालनी है, फिर एक इक्वल टू का साइन है और फिर डॉट डॉट इस तरह से लिखना है। तो इसी तरह का फॉर्मेट आपको क्या करना है उस आपके आंसर शीट में पहले बनाना है, ठीक है। उसके बाद में आपको इस हॉरिजॉन्टल टू लाइंस के बीच में ये तीन वर्ड्स डालने हैं
जैसे आर्काइव, रिपोर्ट, अब्यूज, इन वर्ड्स को आपको क्या करना है, लिखना है। फिर यहाँ पर आपको जो फॉर्मेट रखना है वो कैसा रखना है, बीच में आपको क्या करना है, टाइटल ऑफ ब्लॉग यानी ब्लॉग का टाइटल लिखना है। फिर आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखनी है उसकी। फिर यहाँ पर होगी उसकी मेन बॉडी, यानी इंट्रोडक्शन में क्या करना है आपको, जो आपका ब्लॉग का टाइटल है उसके ऊपर एक इंट्रोडक्टरी से डिस्क्रिप्शन लिखना है आपको, और फिर मेन बॉडी में उस डिस्क्रिप्शन के आधार पर आपको क्या करना है, उसको और ज्यादा एक्सप्रेस करना है, उसको डेमोन्स्ट्रेट करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। और लास्ट में जब आपका ब्लॉग लिखकर हो जाएगा तो उस ब्लॉग में क्या कंक्लूजन बाहर निकला है, यानी आप उन रीडर्स को अपने इस ब्लॉग के द्वारा एक्चुअली में क्या बता सकते हो, क्या आपकी अपेक्षाएं है या फिर क्या करना चाहिए, ये आपको क्या करना है, उस ब्लॉग का कंक्लूजन लिखते वक्त लिखना है। आपको और बात याद रखनी है कि यहाँ पर अगर जनरली आपको कोई पिक्चर ड्रॉ करना आता है तो बाजू में एक पिक्चर उस ब्लॉग के टाइटल से रिलेटेड आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये होगी हमारी मेन बॉडी, ऊपर का जो होगा वो होगा हमारा हेडर, बीच की होगी मेन बॉडी, और ये जो नीचे में आपको दिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ऑल राइट्स रिजर्व्ड टू द ब्लॉगर ओनली, और इस तरह लिखा है प्राइवेसी पॉलिसी, तो ये होता है हमारा फुटर। तो यही फॉर्मेट आपको यूज करना है, अगर आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो और इसी के ऊपर आपको क्या करना है, वो ब्लॉग राइटिंग करना है यही फॉर्मेट यूज करके। अब मैं आपको इस वीडियो में इसी फॉर्मेट में एक पर्टिकुलर टॉपिक लेकर उसके ऊपर में एक ब्लॉग राइटिंग कैसे की जा सकती है वो आपको बताता हूं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 4D ऊपर में दिख रहा है वो है ब्लॉग। तो एक यहां से हमें क्या करना है, कोई भी एक सवाल, एक क्वेश्चन निकालना है और उसके ऊपर में हम क्या करने वाले हैं, ब्लॉग राइटिंग करने वाले हैं। जैसे अभी मैंने जो आपको इसके पहले जो एक स्लाइड दिखाई थी, तो उसमें मैंने एक साइक्लिंग अ बेटर वे टू कम्यूट, इसके ऊपर का ब्लॉग किस तरह से लिखा जा सकता है उसका एक एग्जाम्पल आपको बताया था। तो वो जो ब्लॉग राइटिंग थी वो इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे थी, लेकिन अगर हमें, मैंने इसके पहले जो फॉर्मेट बताया, इस फॉर्मेट में अगर हमें क्या करना है, वो ब्लॉग राइटिंग करनी है, तो उसके लिए हम एक नया टॉपिक लेते हैं, और इसलिए हम टॉपिक नंबर 2 लेते हैं यहाँ पे। जैसे ये दूसरा टॉपिक दिख रहा है आपको, राइट अ ब्लॉग इन अ प्रॉपर फॉर्मेट ऑन सेफ्टी मेजर्स विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। जनरली ब्लॉग राइटिंग जो होती है वो 100 to 150 वर्ड्स में लिखनी होती है, और इसमें आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, इन्हीं पॉइंट्स का आपको आधार लेकर क्या करना होता है, वो ब्लॉग राइटिंग करना होता है। जैसे यहाँ पर दिया है कि आपको ब्लॉग लिखना है सेफ्टी मेजर्स के ऊपर में, और आपको 100 to 150 वर्ड्स में जो ब्लॉग राइटिंग करनी है उसमें आपको कौन से पॉइंट्स ऐड करने हैं, एक नीड एंड पर्पस, सेफ्टी इक्विपमेंट एंड यूज, सेफ्टी एक्शन प्लान, मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन, और लास्ट में आपको कंक्लूजन में क्या करना है, एडवाइस, सजेशन या फिर एक गाइडेंस भी आप उसमें क्या कर सकते हो, दे सकते हो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस ब्लॉग राइटिंग को हम उस पर्टिकुलर फॉर्मेट के आधार पर किस तरह से लिख सकते हैं। तो देखते हैं, तो देखिए दोस्तों, इसी फॉर्मेट को आधार लेकर हमें क्या करना है, अभी वो एक तरह से ब्लॉग राइटिंग करनी है जिसमें हमें क्या करना है, सेफ्टी मेजर्स के ऊपर ब्लॉग राइटिंग करनी है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो है इसको कहते हैं ब्लॉग टाइटल। तो ब्लॉग टाइटल में हमें क्या करना है, आगे देखिए, अब यहाँ पे आपको एक ब्लॉग राइटिंग, मैंने जो अपने हिसाब से एक तरह से जो मुझे पॉइंट्स उसमें इंपॉर्टेंट लगे उन पॉइंट्स का आधार लेकर मैंने एक ब्लॉग राइटिंग यहाँ पे आपको करके दी है। तो देखिए हमने क्या किया है, सबसे पहले जहां से आपको ब्लॉग टाइटल लिखना था वहां पे मैंने लिखा है सेफ्टी मेजर्स। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका जो ब्लॉग का टाइटल है वो उस लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर में क्या करना है, लिखना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम क्या करना है, टाइटल ऑफ ब्लॉग, यानी ऊपर में आपने जो ब्लॉग का टाइटल लिखा है वही हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स ये ब्लॉग का टाइटल लिखा है। ठीक है, सेफ्टी मेजर्स आपको एक तरह से बोल्ड अक्षरों में क्या करना है, उसको लिखना है। आप जब इस तरह का एक फॉर्मेट बनाओगे तो फॉर्मेट बनाने के बाद ही आपको ये सब करना है। अब देखिए आगे में, चलिए आगे में देखिए, उसमें नीचे में देखिए, सबसे पहले जो पॉइंट था वो क्या था, इंट्रोडक्शन।
यानी हमने जो ब्लॉग का टाइटल दिया है उसका हमें इंट्रोडक्शन 4 से 5 लाइंस में क्या करना है, लिखना है। तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर, उसका इंट्रोडक्शन लिखा है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा, हमारी इंट्रोडक्शन उस पर्टिकुलर टाइटल के हिसाब से ही होनी चाहिए। तो हमने लिखा, एज नाउ इंडिया एंड द रेस्ट वर्ल्ड इज रिटर्निंग ऑन वर्क आफ्टर द पैंडेमिक कोरोना। देखिए सेफ्टी मेजर्स ये हर तरह के फील्ड में, हर तरह की एक तरह से बातों से रिलेटेड हो सकते हैं। हमने यहाँ पर कोरोना की अभी जो परिस्थिति बनी हुई है उससे रिलेटेड हमने सेफ्टी मेजर्स का एक ब्लॉग यहाँ पर लिखना शुरू किया है। तो हमने क्या किया, एज नाउ इंडिया एंड द रेस्ट वर्ल्ड इज रिटर्निंग ऑन वर्क आफ्टर द पैंडेमिक कोरोना, सेफ्टी मेजर्स टू बी द नीड ऑफ द डे टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रांसमिटिंग COVID-19। यानी हमने ये लिखा है यहाँ पर कि एक तरह से जिस तरह से अभी इंडिया और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या कर रहे हैं, काम पर अभी लौट रहे हैं, तो हम सभी के लिए एक तरह से क्या जरूरी है कि सेफ्टी मेजर्स का इम्प्लीमेंटेशन और सेफ्टी मेजर्स हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि ये जो कोरोना है उसको हम क्या कर सके, कंप्लीटली उसको इरेडिकेट कर सके या फिर उसकी जो रिस्क है वो कम कर सके। तो इस तरह से हमने लिखी उसकी इंट्रोडक्शन। आगे भी हमने लिखा, We should ensure the safe return of everybody on work anyhow. हमें इस बात की एक तरह से खातरी करना जरूरी है कि हर कोई सुरक्षित तरीके से, सेफ्टी तरीके से क्या करे, अपने काम पर लौट आए। तो इस पर्टिकुलर 4 से 5 लाइन में हमने क्या किया, जो हमारा ब्लॉग का टाइटल है उसको इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, आपने यह बाजू में एक और चीज नोटिस की होगी, यहाँ पर मैंने एक पिक्चर लगाया हुआ है। देखिए सेफ्टी मेजर्स, अगर आपको कोई पिक्चर ड्रॉ करना आता है तो वो आप इस तरह से उसको ड्रॉ कर सकते हो। अगर नहीं करना आता है तो उस वक्त आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर जो पिक्चर का बॉक्स होता है उसमें आपको इमेज IMAGE इमेज करके लिख कर रखना है। देखिए ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब आपको क्या करना है, इसकी मेन बॉडी ही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने दूसरा पॉइंट जो लिखा था वो क्या था, मेन बॉडी। ठीक है, तो अब हम इसी के ऊपर में मेन बॉडी में क्या करेंगे, एक 8 से 10 लाइन में उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। अब मेन बॉडी लिखते वक्त आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि हमें पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसके रिलेटेड जो टॉपिक्स से रिलेटेड जो पॉइंट्स दिए हैं उन पॉइंट्स के आधार पर ही मेन बॉडी लिखनी होती है। तो देखिए यहाँ पर हमारे टॉपिक में क्या दिया है, नीड एंड पर्पज। फर्स्ट पॉइंट था नीड एंड पर्पज। तो हमने क्या किया, एनी काइंड ऑफ सेफ्टी मेजर्स कैन बी अवर फर्स्ट नीड टू एंश्योर द सेफ वे अलोंग दिस वर्ल्ड डिजीज। किसी भी तरह की सेफ्टी मेजर्स हमारी पहली जरूरत हो सकती है। किस लिए, एक तरह से इस परिस्थिति में, ये जो वर्ल्ड डिजीज है, वर्ल्ड डिजीज से निजात पाने की परिस्थिति में किसी भी तरह के सेफ्टी मेजर्स हमारी पहली जरूरत हो सकती है, ऐसा हमने लिखा है। People are searching as well as suggesting a variety of safety measures. Those can be our first priority. लोग आज क्या कर रहे हैं, एक तरह से उन सेफ्टी मेजर्स को सर्च कर रहे हैं या फिर उन्हें जो पता है उनको वो सजेस्ट कर रहे हैं, जिन सेफ्टी मेजर्स के आधार पर हमारी एक वो प्रायोरिटी हो सकती है। इसलिए ये जो हम जो वर्ल्ड डिसीज कोरोना रूपी, इससे हम क्या कर रहे हैं, निजात पा रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें सेफ्टी मेजर्स किसी भी तरह के हमारे लिए क्या हो सकती है, एक तरह से वो लोगों को आज के जमाने में सबसे उनकी पहली जरूरत हो सकती है, ऐसा हमने यहाँ पर लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे भी देखिए यहाँ पर लिखा है सेफ्टी इक्विपमेंट एंड यूज, उसमें दूसरा जो पॉइंट दिया है। अब उससे रिलेटेड हमने क्या किया है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेफ्टी मेजर्स We come along in our day-to-day life. हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे अनेक सेफ्टी मेजर्स हो सकते हैं। The main thing is what? तो इसमें सबसे जरूरी बात कौन सी है? The proper use of these safety measures. इन सेफ्टी मेजर्स का सही तरीके से इस्तेमाल करना, ये हमारी क्या हो सकती है, फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट थिंग हो सकती है। थिंग्स लाइक मास्क, हैंड वॉश, सोशल डिस्टेंसिंग आर नेसेसरी To eradicate corona from our species. आप यहाँ पर कुछ देख रहे होंगे, ये तो वर्ड्स है, ये लिखते वक्त एक तरह से उनमें क्या नहीं दी गई है, तो वो
एक राइटिंग मिस्टेक हुई है। तो देखिए मास्क, हैंड वॉश या सोशल डिस्टेंसिंग है, ये आज हमारे लिए जरूरी है, इसलिए ताकि हम हमारी स्पीसीज मनुष्य जाति से कोरोना नाम का ये जो पैंडेमिक है इसको क्या कर सके, पूरी तरह से खत्म कर सके। फॉर्म दैट अ मैसिव एक्शन प्लान मस्ट बी मेड। देखिए यहाँ पर वो भी पॉइंट दिया है, सेफ्टी एक्शन प्लान दिख रहा है आपको, सेफ्टी एक्शन प्लान, और इसलिए उसके बारे में भी लिखा है, For that, a massive action plan must be made. The action plan has to be human friendly, so that the normal human life would not disturb. वो human friendly होना चाहिए ताकि उस master plan को जब हम implement करेंगे तो उससे normal लोगों की जो life है वो disturb नहीं होनी चाहिए। Because after all, man service is God service. इस तरह के आपको क्या करना है, उसमें proverbs कुछ डालने हैं ताकि एक तरह से आपकी जो blog writing है वो थोड़ी सी impressive लगे। ठीक है, तो इन शब्दों का, इन प्रोवर्ब्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इंडिया एंड द वर्ल्ड शुड हैव द प्रॉपर मैनेजमेंट प्लान्स टू प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट दिस एक्शन प्लान। ये एक्शन प्लान भारत और इंडिया और पूरे वर्ल्ड के लिए एक तरह से उनके पास एक प्रॉपर मैनेजमेंट प्लान होनी चाहिए ताकि वो इस एक्शन प्लान को क्या कर सके, सही तरीके से इंप्लीमेंट कर सके, ऐसा हमने बताया है। सो दैट इट विल नर्चर द मैनकाइंड एंड इरेडिकेट दिस ह्यूमन डिजीज, ताकि हमारी जो मनुष्य जाति है उसका एक तरह से पोषण हो और ये जो बीमारी है इस बीमारी को हम पूरी तरह से जड़ से क्या कर सके, खत्म कर सके। मैनेजमेंट आल्सो नीड्स टू सपोर्ट, नीड्स द सपोर्ट एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस मैनेजमेंट के लिए लोगों का सपोर्ट और लोगों का पार्टिसिपेशन भी होना जरूरी है। आफ्टर ऑल वी ऑलवेज से, क्योंकि हम सभी जानते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं, एक यहाँ पे मराठी में एक मन है, एक प्रोवर्ब है, उसको हम इंग्लिश में जैसे का वैसा ही लिख सकते हैं, जैसे एक मेका साहे धरु अवगे धरु सुपंथ, इस तरह के प्रोवर्ब्स को आपको यूज करना है ताकि आपकी जो ब्लॉग राइटिंग है वो क्या दिख सके, एक तरह से इंप्रेसिव दिख सके। तो ये हो गई हमारी मेन बॉडी। हमने मेन बॉडी में क्या किया, उन पॉइंट्स को कंसिडर किया, जैसे नीड एंड पर्पस, सेफ्टी इक्विपमेंट एंड यूज, सेफ्टी एक्शन प्लान, मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अभी जो ये लास्ट का पॉइंट है, एडवाइस सजेशन या गाइडेंस, इसको हम कंक्लूजन में डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम कंक्लूजन देखेंगे, इसका कंक्लूजन किस तरह से लिखा जा सकता है। So it's our moral and social responsibility to understand the importance of safety measures. और इसलिए ये हमारे नैतिक क्या है और सामाजिक एक जिम्मेदारी है कि हम क्या कर सके, सेफ्टी मेजर्स का जो इम्पोर्टेंस है उसको समझ सके। We should all participate in this world campaign of safety measures. Safety measures का ये जो world campaign जो एक तरह से शुरू किया है, इसमें हम सभी को participate करना चाहिए and put an example before our future generations. और हमें हमारी जो आने वाली पीढ़ियां है उनके सामने एक ideal example क्या करना है, एक पेश करना है, ताकि वो भी आगे में चलकर हमारे इन्हीं ideas को लेकर क्या कर सके, अपनी implementation कर सके। यहाँ पर हमने generations जो वर्ड है उसको क्या किया, कैपिटल्स में लिखा है, ताकि एक तरह से उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर या पॉइंट के ऊपर हम क्या कर सके, ट्रेस दे सके। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो ब्लॉग राइटिंग है उसको कर सकते हैं। हम ब्लॉग राइटिंग में हमने क्या किया है, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर जहां पे ब्लॉग टाइटल देना है वहां पे हमने ब्लॉग टाइटल, देखिए ब्लॉग टाइटल में हमने लिखा सेफ्टी मेजर्स, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें टाइटल ऑफ ब्लॉग लिखना है, तो वही टाइटल हमने यहाँ पर भी लिखा है सेफ्टी मेजर्स। फिर हमें क्या करनी है, उसकी इंट्रोडक्शन करनी है, तो हमने इंट्रोडक्शन में यहाँ पर उससे रिलेटेड चार से पांच लाइंस में उसकी इंट्रोडक्टरी पार्ट बनाया। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, पिक्चर लगाना है, तो अगर आपको ड्रॉ करना आता है तो आप पिक्चर लगा सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, अगर नहीं तो यहाँ पर सिर्फ इमेज करके भी आप उसमें लिख सकते हो उस पर्टिकुलर बॉक्स में। ठीक है, फिर आती है मेन बॉडी। मेन बॉडी में हमने इस तरह से क्या किया है, उसकी राइटिंग की है। मेन बॉडी के बाद में जो लास्ट पॉइंट होता है वो क्या होता है, कंक्लूजन होता है। वो क्या होता है, कंक्लूजन होता है। तो कंक्लूजन में हमने उसमें क्या किया, दो तीन लाइन्स में एक तरह से उसके ऊपर में नीड, एडवाइस, गाइडेंस, इनके तौर पर क्या किया है उसको हमने यहाँ पर लिखा है। तो इस तरह से कोई भी ब्लॉग राइटिंग का क्वेश्चन अगर आपको 12वीं के इंग्लिश के राइटिंग स्किल में क्वेश्चन नंबर 4 डी आता है तो उसको आप इस तरह से लिख सकते हो। ब्लॉग राइटिंग पूरी करने के बाद में आपको अंत में एंडिंग में क्या करना है, नीचे में ऐसी एक हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है और उसके नीचे में आपको
इस तरह से सिंबल बनाना है, एक सर्टिफाइड का सिंबल होता है, और उसके बाद में नीचे भी लिखना है ऑल राइट्स आर रिजर्व टू ब्लॉगर ओनली। ये हमारे होती है फुटर, और फुटर में हमें इस तरह का एक सेंटेंस लिखना होता है, और राइट साइड में भी लिखना होता है प्राइवेसी पॉलिसी। तो इस तरह से ब्लॉग राइटिंग की जा सकती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में एक उम्मीद करता हूँ कि क्लास 12 के इंग्लिश में जब किसी क्वेश्चन पेपर में ब्लॉग राइटिंग के लिए आपको कोई एक सवाल आता है, तो उस वक्त आपको क्या करना है, 100 टू 150 वर्ड्स में ब्लॉग राइटिंग करनी है। उस ब्लॉग राइटिंग को करते वक्त आपको क्या करना है, एक तरह से इस फॉर्मेट का यूज करना है। ये फॉर्मेट आप एक तरह से इसका एक स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, और इसी फॉर्मेट के आधार पर आपको इस तरह से जो ब्लॉग राइटिंग करनी है वो एक फॉर्मेट बना लीजिए, उसमें इस तरह से आप टाइटल को लिखिए, और फिर उनको हाईलाइट करके एक तरह से आप अपनी ब्लॉग राइटिंग कर सकते हो। और लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको अपने स्टार्टिंग में जो हेडर बनाया फिर मेन बॉडी बनाई, तो लास्ट में इस तरह से आपको क्या करना है, उसकी एक फुटर बनाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ब्लॉग राइटिंग का वीडियो आप सबको पसंद आए, और इसीलिए वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसको शेयर कीजिए, और जाते जाते अगर आपने अभी तक मेरे चैनल एजुकेशन मनो सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे भी दिया हुआ जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसको आप क्लिक करके ये चैनल सब्सक्राइब कर ले, और मेरे ऐसे ही दूसरे वीडियोस उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे इसलिए बाजू में आया हुआ ऑल का नोटिफिकेशन बेल भी आप प्रेस करें। और अब हम मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक सभी को नमस्कार।